दोस्तों आपका स्वागत है आज के फ्रेश वीडियो में। मेरे ख्याल से दोस्तों आपने कहीं पर सुना होगा या तो वीडियो भी देखा होगा कि एक वेब होस्टिंग कंपनी है वो आपको सिर्फ और सिर्फ 9 रुपीज़ के अंदर .in डोमेन नेम दे रहा है। तो यही टॉपिक के ऊपर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि क्या ये पूरा ऑफर है, क्या आपको यहाँ से 9 रुपीज़ के अंदर .in डोमेन नेम रिजल्ट में मिलता है या नहीं। अगर मिलता है तो क्या आपको यहाँ से रजिस्टर करना चाहिए या नहीं, क्या इसकी प्रोसेस, किस तरह से ये ऑफर वर्क करता है, सबके बारे में दोस्तों ये वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो ये सबके बारे में जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों आज है 8 मार्च, मतलब कि वुमेंस डे। तो जितने भी जो हमारे फीमेल व्यूअर हैं इसको हैप्पी वुमेंस डे। तो डायरेक्टली दोस्तों हम ऑफर के बारे में बात करते हैं, ज़्यादा यहाँ पर मैं आपका टाइम नहीं लूँगा। एक वेबसाइट है जिसका नाम है हाईवर्क्स इंडिया, यहाँ पर आप देखिए। जैसे आप ये वेबसाइट ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर बॉटम के अंदर एक पॉपअप दिखाई देगा जिसके अंदर लिखा है .in डोमेन जस्ट 9 आरएस। इसके बाद नीचे भी लिखा है ये जो ऑफर है वो 8, 9 और 10 मार्च तक चलेगा। तो आपके मन में यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि इतने चिप प्राइस के अंदर यहाँ से आपको .in डोमेन नेम कैसे मिल रहा है। तो ये जो वेबसाइट ओनर है इसके पीछे का लॉजिक क्या है, किस तरह से ये पूरा जो ऑफर है वो वर्क करेगा, इसके बारे में दोस्तों हम बात करने वाले हैं। इसके बाद मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि क्या आपको यहाँ से .in डोमेन नेम रजिस्टर करना चाहिए या नहीं, मेरा जो ओपिनियन है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हम जो सिंपल स्टेप के अंदर यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि .in डोमेन नेम रियल में यहाँ से 9 रुपीज़ के अंदर रजिस्टर होता है या नहीं, इसकी प्रोसेस क्या है। तो सिंपल हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक डोमेन नेम सर्च करेंगे जो .in डोमेन नेम होगा। इसके बाद हम सर्च बटन के ऊपर यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आप देखिए जो आपका बाय डिफॉल्ट होस्टिंग इसको आप अनटिक कर दीजिए और यहाँ पर आपको आपका .in डोमेन नेम ओनली चूज करना है। प्रोमो कोड ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपका टोटल हो जाएगा 9 रुपीज़ और यहाँ पर 1.62 रुपीज़ का टैक्स वगैरह लगता है। और हम सिंपल प्रोसेस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर एक बार रीचेक कर लीजिए आपका फाइनल 10.62 रुपीज़ प्रोसेस ऑर्डर के ऊपर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देखिए यहाँ पर थोड़ा आपको समझने की ज़रूरत है। अब देखिए आपको यहाँ पर डोमेन नेम परचेस करना है या नहीं करना है वो आपके ऊपर है, लेकिन मेरा जो फर्ज है कि आपको बताओ कि पूरी डिटेल यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर आपको देखा जाएगा कि आपको साइनअप करना होगा। साइनअप करने के लिए आपको यहाँ पर आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है वहीं आपको यूज़ करना है। तो देखिए दोस्तों आज तक मैंने काफ़ी ईयर ब्लॉगिंग के अंदर बिताया है, तो कहीं पर मैंने मेरे आधार कार्ड का यूज़ करके वेब होस्टिंग और डोमेन नेम परचेस नहीं किया है। तो यहाँ पर ये पहली बार हो रहा है। अब यहाँ पर हम सिंपल चेक करते हैं कि आगे का प्रोसेस क्या होता है, किस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पर हम मोबाइल नंबर लिखते हैं और ईमेल और पासवर्ड लिख लेते हैं। इसके बाद के स्टेप के अंदर दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कंप्लीट योर आधार वेरिफिकेशन। तो आपको आपका आधार कार्ड नंबर यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद आपके आधार कार्ड के जो 7 नंबर आपने रजिस्टर किया है इसके ऊपर एक OTP आएगा और आपको यहाँ पर आधार ऑथेंटिकेशन करना होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मेरा जो फाइनल डिसीजन बताता हूँ ये ऑफर को लेकर, मैं इसे आगे यहाँ पर प्रोसेस नहीं करने वाला हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ एक डोमेन नेम के लिए यहाँ पर मेरे जो आधार कार्ड डिटेल वगैरह शेयर नहीं करना चाहता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पर आपका डोमेन नेम परचेस करना है या नहीं। अब देखिए आगे की प्रोसेस के अंदर क्या होगा, आपको आपका आधार कार्ड नंबर लिखना है, एक OTP आएगा इसको आप लिख लीजिए। इसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ आपकी डिटेल वगैरह जो ऑथेंटिकेट होगी इसके बाद यहाँ पर आप .in डोमेन नेम रजिस्टर कर पाएंगे। तो यहाँ पर अब देखिए इसका आधार कार्ड का यूज़ करने का पर्पस तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि डुप्लीकेशन, इसके बाद स्पेम वगैरह को रोकने के लिए और यहाँ पर लिमिटेड यूज़र को ये जो ऑफर प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर मेरे ख्याल से आधार कार्ड का यूज़ किया गया है। लेकिन इसके अलावा भी दोस्तों काफ़ी सारे वे अवेलेबल हैं जो दूसरे वेब होस्टिंग प्रोवाइडर यूज़ करते हैं। यहाँ पर वेबसाइट के ओनर है वो ओनली ऑन मोबाइल नंबर ऑथेंटिकेशन भी रख सकते थे, जिसके अंदर आपको आपका मोबाइल नंबर लिखना है, इसके बाद OTP आएगा आपको लिखना है। तो पर मोबाइल नंबर एक ही यूज़र यहाँ पर डोमेन नेम रजिस्टर कर सकता है, तो ये भी हो सकता था। लेकिन यहाँ पर आधार कार्ड की डिटेल कहीं पर भी शेयर करना मैं नहीं चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं ये आगे की प्रोसेस नहीं करूँगा।
मैं आपको बस इतना ही बताने के लिए मैंने वीडियो बनाया था कि दोस्तों आज तक जितने भी जो मैंने डोमेन नेम रजिस्टर किए हैं, इसके बाद काफ़ी ईयर से मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कहीं पर भी मेरा आधार कार्ड का डिटेल नहीं दिया है। यहाँ पर तो डिटेल की बात तो छोड़ी, यहाँ पर आपको प्योर ऑथेंटिकेशन करना होगा आपके आधार कार्ड के साथ, जो मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा इसके अंदर OTP वगैरह आएगा, आपको फिल करना है। तो आज के टाइम के अंदर दोस्तों आधार कार्ड काफ़ी सेंसिटिव हो चुका है, आपके बैंक अकाउंट के साथ भी लिंक है, तो यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि अब आपको आगे क्या डिसीजन लेना है, क्या आपको यहाँ पर 2-3 डोमेन नेम रजिस्टर करना है या नहीं। तो ये जो पूरी डिटेल है वो आपको दूसरे लोग नहीं बताएंगे, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि इसके वीडियो के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आए, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। यहाँ पर आपको सोच समझ कर आपको यहाँ पर आपका डिसीजन लेना है कि आपको यहाँ पर ये ऑफर का यूज़ करना है या नहीं। तो ये था पूरा वीडियो दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और ये जो मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों इसके अलावा काफ़ी सारे वेब होस्टिंग प्रोवाइडर है, वहाँ पर आपको जो मोबाइल नंबर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको 2-3 डोमेन नेम काफ़ी चीप प्राइस में मिल जाएगा, 99 रुपीज़ के अंदर इवन आपको इस प्रकार की प्राइस के अंदर मिल जाएगा। तो ये सिंपल सा वीडियो यहीं तक था, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो ये जो वीडियो दोस्तों आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसके बाद आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि ये भी कुछ नया जान सकें, नया सीख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।